नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मीशो ऐप पर एक से अधिक सामान या प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मीशो ऐप पर एक से ज़्यादा सामान या प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के लिए डालने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में मीशो ऐप को ओपन करना है। तो चलिए मीशो ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर जिस भी सामान को यहाँ पर ऑर्डर करना है या प्रोडक्ट को खरीदना है, सिंपल आपको उसका नेम से सर्च कर लेना है, या आपको नीचे में बहुत सारा यहाँ पर आपको कैटेगरीज दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको जिस भी कैटेगरी से जो भी सामान लेना है, सिंपल आपको उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वह प्रोडक्ट दिखने लगेगा। अब आपको यहाँ पर जो भी सामान को खरीदना है, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो प्रोडक्ट या सामान आ गया है। अब यहाँ पर आपको कार्ट में ऐड करने के लिए आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको साइज सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो यहाँ से आपको साइज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जय पीस खरीदना है, तय पीस यहाँ पर आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। अगर आपको एक सूट लेना है तो यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट करना है। अगर आपको दो लेना है तो यहाँ से आपको दो कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से वह जो प्रोडक्ट है कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्ट में ऐड हो गया है। उसके बाद अगर आपको डिफरेंट कलर का अब कोई और भी सामान लेना है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी कलर का दिया गया है, अब हमको दूसरा कलर का यहाँ पर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको किस साइज का लेना है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हमको लार्ज लेना है, तो यहाँ पर लार्ज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अगर एक लेना चाहते हैं तो एक करना है, अगर आप दो लेना चाहते हैं तो आपको दो कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा कार्ट में तीन प्रोडक्ट ऐड हो गया है। तो चलिए यहाँ पर हम कार्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर दिख रहा है, इसमें दो और इसमें एक, यहाँ पर एक से अधिक प्रोडक्ट ऐड हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर कैटेगरी से आप डिफरेंट सामान ऑर्डर करते हैं कार्ट में, तो वहाँ पर आपको एक ही चीज़ आपको कार्ट में ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप दूसरा चीज़ को कार्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं। मीशो ऐप पर ऐसा कोई भी फीचर्स नहीं दिया गया है कि आप अगर एक शर्ट ऑर्डर कर लेते हैं, एक शर्ट को कार्ट में ऐड कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप पैंट को कार्ट में ऐड करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कार्ट में ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। जो पहले वाला प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव कर देगा और फिर दूसरा प्रोडक्ट उसमें ऐड हो जाएगा कार्ट में। तो यहाँ पर अभी ऐसा कोई फीचर्स नहीं दिया गया है जिसमें आप मीशो ऐप पर कार्ट में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।